केंद्र सरकार की गलत नीतियों को लेकर कांग्रेस द्वारा शुक्रवार को धरना विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें LIC और SBI के बैंक खाता धारकों के पैसे अडानी ग्रुप में सरकार के दबाव में लगाने से हुए नुकसान और लाखों गरीब और मध्यम वर्गीय देशवासियों के कमाई को सरकार द्वारा डुबाए जाने के विरोध में और खाता धारकों की रक्षा के लिए धरना विरोध प्रदर्शन किया गया था, जहां कांग्रेसी नेता चंद्रशेखर पटेल द्वारा मंच से जोश में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ अभद्र टिप्पणी कर दी, जिसका वीडियो मौजूद मीडिया के कैमरे में कैद हो गया है। कांग्रेसियों का कहना था कि जिस तरह से मोदी सरकार द्वारा अडानी ग्रुप को लाखों करोड़ों रुपए का कर्जा दे दिया गया और उसके बाद LIC और SBI बैंक खाता धारकों के पैसे सरकार के दबाव में लगाते हुए लाखों गरीब लोगों को नुकसान हुआ है। सरकार द्वारा जितने भी SBI और LIC के खाता धारक हैं, उनके पैसे डूब चुके हैं और अब सरकार अडानी ग्रुप को बचाने की कोशिश कर रही है। ये आयोजन किया गया जिसमें कांग्रेसी नेता चंद्रशेखर पटेल द्वारा जोश जोश में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। हालांकि इसके बाद मौजूद अन्य कांग्रेस के नेताओं ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कांग्रेसी नेता चंद्रशेखर पटेल को धरना प्रदर्शन स्थल से रवाना कर दिया। 18 साल की सरकार है, 18 साल से, और इसके बाद में अपनी बहनों की याद आ रही है, 18 साल बाद में याद आई है, और ये भी 4-6 महीने के लिए है। उन्हें मालूम है कि सरकार आगे को ठीक नहीं आई तो भी योजना बंद करने में देर नहीं लगेगी। सरकार को 1000 रुपया महीना, और वो भी करीब करीब 2 करोड़ महिलाओं को देना संभव नहीं है, और एक हाथ से ले रहे हैं दूसरे हाथ से दे रहे हैं। अभी केस के दाम बढ़ा दिए हैं 50 रुपये। इंदौर शहर के सत्यसाई चौराहा स्थित शुक्रवार सुबह कांग्रेसियों द्वारा मोदी सरकार का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। विरोध प्रदर्शन के दौरान एक कांग्रेस नेता द्वारा मंच से ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अपशब्द कहे गए। इस आपत्तिजनक शब्द के बाद कांग्रेस नेता चंद्रशेखर पटेल मौके से नदारद हो गए। बता दें कि शुक्रवार सुबह इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र स्थित सत्यसाई चौराहे के पास कांग्रेसी नेता चिंटू चौक से राजू भदौरिया सहित कई कांग्रेसी कार्यकर्ता एकत्र हुए थे, जहां केंद्र सरकार द्वारा अडानी ग्रुप को बचाने के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा था। पूर्ण रूप से भरोसा है, आज तक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि इन दोनों उपक्रमों का पैसा किसी प्राइवेट एजेंसी, किसी प्राइवेट कंपनी या किसी प्राइवेट फर्म में इन्वेस्ट किया गया हो। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने LIC और भारतीय स्टेट बैंक के अधिकारियों पर दबाव बनाकर ऐसी कंपनी में 40-50 हज़ार करोड़ रुपए इन्वेस्ट करवाया, आम जनता का, आम जनता की खून पसीने की कमाई का पैसा इन्वेस्ट करवाया, जिसका कोई अता पता नहीं था। हम सब जानते हैं कि बीते दिनों में किस तरीके से अडानी जी की कंपनी ब्लैकलिस्ट हुई, किस तरीके से फर्जी सारा नाम काम निकला, किस तरीके से स्कैंडल साबित हुआ, सारी गलतियाँ सामने आई, और किस तरीके से शेयर धड़ाम से नीचे गिरा, क्योंकि कंपनी कोई अस्तित्व में थी नहीं, सारा का सारा बवंडर मचाया हुआ था, सारी की सारी। और इसके लिए दोषी सिर्फ और सिर्फ हमारे देश के सूट बूट वाले प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा समझदारी के कारण जनता की गाड़ी कमाई का 40-50 हज़ार करोड़ रुपया गड्ढे में डूब गया। पिंटू भैया, आज किस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया है? देखिए, आज ये धरना था हमारा सत्यसाई चौराहे विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 में। हमारे ब्लॉक अध्यक्ष गब्बर पंवार जी, शिवलाल गुज्जर जी, बब्बू यादव जी, इनके नेतृत्व में हम सब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता दृढ़ संकल्पित है यहाँ से आने जाने वाले लोगों तक कांग्रेस पार्टी की आवाज़ पहुँचे, आम जनता की आवाज़ पहुँचे, नरेंद्र मोदी जी की तानाशाही पहुँचे, अन्याय और अत्याचार पहुँचे। और हम सब लोग दृढ़ संकल्पित है अब से कि जब तक मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी की सरकार और केंद्र में मोदी जी की सरकार को उखाड़ के नहीं फेंकेंगे, और जब तक मध्य प्रदेश और देश में राम राज्य की स्थापना नहीं होगी, भाई का भाई से प्रेम नहीं होगा, हम युवा साथी दृढ़ संकल्पित होकर भारतीय जनता पार्टी और इनके अत्याचार के खिलाफ लगातार काम करते रहेंगे।